इसे करने गेम प्ले सीरीज में आपका स्वागत है। सो आज हम लोग वापस से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट पर। ये है मेरा हाई पिक्सल्स का स्काई ब्लॉक का सर्वर। जी हाँ, ये है। आप लोग सोच रहे होंगे इतना अपग्रेड कैसे हो गया, क्योंकि ये है दूसरा सर्वर, मतलब वो जो था वो मैजिक ब्लिंक और ये क्राफ्टर्स का है। इसमें मैंने बहुत कुछ मतलब कुछ ज़्यादा ही ये कर लिया, क्या बोलते हैं, सब मेरे मिनियन है तो क्या बोलते हैं, हाँ अपग्रेड कर लिया और अचीवमेंट्स भी बहुत सारे मिले। मतलब जैसे देखो कि मेरे पास डायमंड स्वॉर्ड है, इसमें लगा है स्माइट 4 और थंडर लॉर्ड 5, मतलब थंडर लॉर्ड 4। और आप लोग सोच रहे मैंने आर्मर क्यों नहीं पहना, क्योंकि मैंने सारे आर्मर इसमें रखे। अच्छा हाँ सॉरी, वो थोड़ा ग्लिच होता है। हाँ ये देखो, ये लीफ आर्मर है, मतलब इसमें कितने सारे टाइप के आर्मर है, पर सबसे सबसे जो मुश्किल जो आर्मर है ना वो ये गोलम आर्मर है। मेरे पास ये गोलम हेलमेट बना है, क्योंकि इसको लगते हैं एक हेलमेट, मतलब जैसे हम लोग को एक हेलमेट के लिए 5 लगते हैं, वैसे उसके लिए 50 लगते हैं, इंटू 10 लगता है एन्चेंटेड आयरन। और वो एन्चेंटेड आयरन 2.5 मतलब 2 स्टैक को 32 आयरन से बनता है। तो वैसे 2 स्टैक को 32 को मल्टीप्लाई करो मतलब 10 से, ऐसा एक और ऐसे 50, इतने सारे चाहिए। तो अभी तक वो दो ही बना है और बाकी सब ये हार्डन डायमंड जो इससे बनता है, क्या बोलते हैं, एन्चेंटेड डायमंड। मेरे पास मिनियन भी बहुत सारे, देखो ये है मिनियन डायमंड मिनियन 6 है, फिर ये ऑब्सिडियन मिनियन है, ब्लेस मिनियन है, कॉबलस्टोन मिनियन 8 है, 7 है, वो सब है। मतलब मेरे पास बहुत कुछ है। और हाँ मैं एक चीज़ बताऊँ कि इसमें मेरे पास बैंक में बहुत सारे पैसे, मतलब बहुत सारे इतने नहीं है, एवरेज के हिसाब से थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि ये देखो ये बैंक है, ये मस्त करके बैंक है अपना। सो अरे क्राउच क्यों कर रहे हो, ये जो ये साइड में जो लिख के आ रहे हैं ना वो चैट्स है, चैट्स कभी कभी पढ़ना पड़ता है, उसमें कोई इवेंट इवेंट रहते हैं ना। अरे डिपॉजिट नहीं करना रही, दिखाना है। हाँ ये देखो गैलेक्सी गेमर 9404 बैंक बैलेंस 121.9937, मतलब ऑलमोस्ट 1,22,000 रुपीज़ है। पर मैं आज मैं सब नहीं बता रहा कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। आज हमारा गोल है कि हमको घर बनाए, क्योंकि मैं ऐसे सामान खुले में नहीं रख सकता। जैसे कि ये देखो इतना सब कुछ रखा है सामान, ये जैसे इतनी वुड है, फिर इतना ये सामान है, फिर इसमें भी ये जो कीमती सामान है बहुत ज़्यादा, और फिर ये घर बनाने के लिए थोड़ा सामान जमा करके रखा है, तो खुले में तो रख नहीं सकता। तो मैं घर बनाऊंगा और ये जो अपना एन्चेंटिंग टेबल है इसमें भी इधर रख दूंगा। एन्चेंटमेंट भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं, मैं आपको आराम से सब कुछ बताऊंगा अलग अलग कोई वीडियो में, पर इस बार हमारा ये वाले वीडियो में हम पूरा ये घर बनाएंगे। तो घर बनाने के लिए तो पहले स्टोन ले लेते, स्टोन ब्रिक्स से नहीं बनाऊंगा, स्टोन से बनाऊंगा। तो हमारा घर मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बनाता हूँ, इधर मस्त ऐसे बिल्डिंग खड़ी करूँगा, मस्त ऐसे ही मतलब 10x10 की बिल्डिंग। तो शुरू करते हैं, एक मिनट पहले एक दो ब्लॉक, हाँ एक ये तीसरा ना, हाँ तीसरे पे एक ब्लॉक लगाना है, तीसरे पे लगा है ना, हाँ मेरे को ऐसा लगता है एक पे लगा है। हाँ ये एक ब्लॉक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ओ भाई। हाँ ये चेस्ट को मैं अंदर शिफ्ट कर दूंगा, पर आज के वीडियो में नहीं। एक दो वो भी तो ये बनाते पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितना हुआ, स्पीड ब्रीथिंग में ऐसे हो जाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, हाँ 8 बराबर गिना, 9 और 10, थोड़ा एक उधर एक्सटेंड करना पड़ेगा, इसमें सब खरीदना पड़ता है। पर ये स्टोन जो है ना वो मैंने कॉबल स्टोन मिनियन से ये करके रखा था, क्या बोलते हैं, स्मेल्ट करके बना के रखा था, तो वो हो चुका मेरा, मतलब स्टोन की कुछ कमी नहीं है। और इतने सारे वुड क्यों लिए, क्योंकि ये इसमें एक जैक नाम का कोई बंदा है जिसके पास ये है, क्या वो रहते हैं क्वेस्ट रहते हैं कि हम लोग को 640 मतलब 10 टैक अगर हम जमा करें वुड तो उसको मतलब वो हमको 5000 रुपीस देगा, और अगर 320 जमा करें तो 250 देगा, 2500। और ऐसे ही मतलब कुछ मॉब्स को मार के भी 5000 मिलते हैं, 50 मॉब्स को मारो
अलग अलग मॉब्स भी है इसमें। स्लाइम में शीप है जो बहुत तगड़ा डैमेज देती है, वो हम लोग अभी अभी इतना प्रो नहीं बनना, मैं वो एक हाई हिट में ही मार देगी, कितने 300 हार्ट तो ले जाती है हिट में। और फिर है मौसी, स्केलेटन, बहुत सारे हैं। पहले वो घर बना लेते, बाद में बात करूँगा। फिर एक, ये दो, ये तीन, और ये चौथा, ये अरे नीचे जाके करता हूँ भाई। अरे अच्छा, इसमें टेलीकिनेसिस भी है, तो अगर कुछ भी ऐसे हुआ तो गिरेगा नहीं नीचे। तो ये पूरा ऐसे लेआउट बनाना है, मतलब इसको इधर लेके, फिर इसको इधर, फिर इधर, और तो बीच में इधर मैं ग्लास लगाऊंगा, पर ग्लास अभी नहीं लगाऊंगा, अभी सामान नहीं है इतना, मतलब खरीद सकता हूँ जाके, पर मेरे को अभी खरीदना नहीं है, पैसे वेस्ट नहीं करने। जब भी थोड़े बहुत, मतलब अगले एपिसोड में या फिर आपको करके मिलूंगा बाद में, मतलब दूसरे को एपिसोड में। तो अभी फिलहाल ये पूरा मैं ये बना के, और कितने फ्लोर बनाऊँ, एक चेस्ट के लिए, इसमें बेड का कुछ है नहीं, मुझे ऐसे बेड रख दिया और सो गए तो सुबह नहीं होगी, इसमें रुकना ही पड़ता है। मैं बेड बना के देख भी लिया तो उसका कुछ मतलब है नहीं बेड रखने का। तो चेस्ट के लिए एक फ्लोर, दूसरे के लिए एक फर्नस, और तीसरे के लिए एनचेंटिंग, और एक शोरूम भी बनाना मुझे, कि मेरे सारे आर्मर वगैरह जो है उसको शोरूम में करूँगा। तो मिलता हूँ आपको पूरा बनाने के बाद, मतलब इसको पूरी स्ट्रक्चर बनाने के बाद, सो लेआउट, ठीक है। गाइस, मैंने बना लिया ये पूरा स्ट्रक्चर, मतलब लेआउट। तो ऐसा दिखता है अंदर से, लग रहा होगा ये ढांचा क्या क्या है, ये हड्डी बनाया दिया, बोला हड्डी नहीं, अभी थोड़ा काम बचा है। यहाँ पर जब ग्लास आएगा ना तो मस्त लुक आएगा। और मैंने, हाँ, आयरन बार्स बनाया है, उसको उसके लिए रखूँ या किसके लिए रखूँ, मतलब बालकनी के लिए, एक एक आध बालकनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि और कुछ सामान वगैरह जैसे कि पोशन वगैरह है, या फिर कुछ भी और, या फिर मैं मिनियन है कोई भी ऐसा एकदम खास मिनियन, या फिर कुछ भी, तो उसके लिए बालकनी वगैरह से मैं अपना ब्रिज सिस्टम बना सकता हूँ ना, मतलब से ब्रांच सिस्टम, तो उसके लिए वो रखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल ये जो ये कंक्रीट है, ग्रेट कंक्रीट, वो इसमें, ये जो वो अपना वो आइलैंड रहता है ना उसमें से मिला है, तो अभी भी और मिल सकता है, क्योंकि मैं खोदा नहीं है, ऐसे ही ऊपर ग्रास व्रास लगा दिया। तो मतलब इसको, मतलब ये ऐसा ऐसा ये पूरा लग के नहार लगा ना, अरे पास जाके लगाओ क्या, हाँ क्लिच है भाई, वाह। तो ये इस पे ग्रास हटा के भी ये डाल दूंगा, और ऊपर ये शायद मैं ये डालूंगा क्या, ये बर्च के वुड प्लैंक्स, ठीक है। सो पूरा करने के बाद ही मिलता हूँ मैं गाइस, आपको। मैंने पूरा वो बना लिया और डेकोरेट भी कर लिया है। सो बताता हूँ आपको, 3 2 1 सुप। कितना भी खतरनाक सा एकदम, ऐसा नहीं कि वो है, नॉर्मल सा, एकदम नॉर्मल सा, मतलब 3x3 का ये है, और इधर थोड़ा जो चेस्ट और मस्त करके ये डेकोरेशन थोड़े बहुत, और इधर अपना एन्चेंटिंग वगैरह। और हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बताना आपको भूल ही गया, क्योंकि इसमें दो चीज़ ऐसी है जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी इसमें। एक तो खाना खाना नहीं पड़ता, क्योंकि पता नहीं क्या इसमें कुछ है ऐसा, और मतलब हमारा माना, जैसे ये माना जो है वो हमारी स्पीड है, ठीक है, तो हमारी 108 स्पीड है अभी, पता नहीं कैसे 108 है, पर है, लिखा है तो है बस। और इसमें ये आर्मर और इन सबकी हेल्थ नहीं दिखती कि कितनी हेल्थ है, मतलब मेंडिंग वगैरह और अर्थ ब्रेकिंग की ज़रूरत ही नहीं, मतलब टूटेगा ही नहीं कभी। तुमने अगर गोल्ड गोल्ड की कोई भी सामान रहता है तो टूट जाता है ना, तुम उसको कितना 10,000 15,000 कितना भी ब्लॉक्स तोड़ो, करोड़ों ब्लॉक्स तोड़ दो, टूटेगा ही नहीं, ऐसा है इसके इधर। और एक और बात है कि कोई भी आर्मर वैसे रहते हैं ना, कस्टम आर्मर हम लोग डाउनलोड करते हैं किसी भी ये मॉड से या फिर एड ऑन से, तो कस्टम आर्मर इसमें है, इसमें रेड स्टोन के है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे। ये देखो, जैसे बताता हूँ, ये देखो, ये रोज स्वॉर्ड है, प्रॉमिसिंग एक्स है, फिर स्पाइडर स्वॉर्ड है, फिर ये जंगल एक्स है, फिर क्लेवर है, अनडेड स्वॉर्ड है, माइनर्स माइनर सूट, पम्पकिन सूट, फिर अपना ये फार्मर फार्मर बर्ड, मतलब मैं तो हेलमेट ही बोलूँगा, ये लीव्स का है, फिर ये मशरूम का है, फिर ये हार्डन का है, ये गोलम है, फिर मैग्मा भी है, रेड स्टोन भी है, लैपिस भी है, स्लाइम भी है, जॉम्बी की पिकैक्स भी है,
इतना कुछ नया है नवाब, मैं आपको एक स्ट्रीम में करूंगा या फिर पता नहीं किसमें, तो आपको पूरा टूर दूंगा कि किधर कौन सी क्या मैप है, कौन सी किधर जगह पे है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो ये अपना वो मस्त दिख रहा है, मस्त मॉब वॉब तो है, वो तो कुछ नहीं करता, हिलते भी नहीं अपनी जगह से। गाइस आज के इस वाले वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और भी ऐसे वीडियो देखने सब्सक्राइब कर दो, साथ में बेल आइकन भी दबा देना। और हाँ, थोड़ी बोलने का वो थोड़ा मेरा गला ख़राब है ये बारिश के मौसम में थोड़ा, तो प्लीज़ इसके लिए सॉरी। सो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग, बाय बाय।